You have been provided with three test tubes. One of them contains distilled water and the other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? So, at first, we will dip the red litmus paper in all the test tubes. The test tube in which red litmus changes to blue contains a basic solution. Now, dip the so changed blue litmus paper in the other two test tubes. The test tube in which blue litmus changes to red is acidic solution, and the third test tube will contains distilled water. Okay. इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं. ये तीन टेस्ट ट्यूब आपके पास में है, ठीक है? तो देखने में बिल्कुल एक जैसी है, इनमें सॉल्यूशन भी जो है बिल्कुल सेम यहाँ पर है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है. हम क्या करते हैं कि तीनों में रेड लिटमस पेपर को डिप करके देखते हैं, ठीक है? जैसे डिप करते हैं तो जिस टेस्ट ट्यूब में वो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे ये ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है? इसको आप सेपरेट करके रख सकते हैं और ये बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पर है. अब इसी ब्लू लिटमस को हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो बची हुई टेस्ट ट्यूब है उसमें डिप करेंगे. तो मान लीजिए हमने इसमें डिप किया उसको, ठीक है, डिप करते हैं और ये ब्लू से जो पोर्शन डिप्ड है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है. अब इस टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस को हम डिप करते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है, ब्लू ब्लू रहता है और रेड भी रेड ही रहता है, इसका मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है? तो इजीली हम फाइंड आउट इसको कर सकते हैं. ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा.